हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद प्राची। और आज हम लेंगे क्लास 10th का चैप्टर अ ट्रायंफ ऑफ सर्जरी, जिसको लिखा है जेम्स हैरियट ने। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, इस चैप्टर की थीम क्या है? इस चैप्टर में बात हुई है एक डॉग की जिसका नाम है ट्रिकी। ट्रिकी एक बहुत ही ज्यादा पैम्पर्ड डॉग है। उसकी जो मालकिन है मिसेस पम्फ्री, उसको बहुत ज्यादा ही प्यार करती है, उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखती है। लेकिन एक दिन ये जो हमारा डॉग है ट्रिकी, वो बीमार हो जाता है और उसे एक वेटरिनरी डॉक्टर यानी एक एनिमल डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। अब क्या ये डॉक्टर हमारे ट्रिकी को ठीक कर पाएगा? क्या वो उस पर कोई सर्जरी परफॉर्म करेगा? और वो सर्जरी सक्सेसफुल होती है कि नहीं, यही स्टोरी है अ ट्रायंफ ऑफ सर्जरी। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं इस कहानी में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं और उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स यानी खासियत है। तो पहले पे आती है मिसेस पम्फ्री। मिसेस पम्फ्री कौन है? हमारा जो डॉग है ट्रिकी, उसकी ओनर है। ठीक है, वो बहुत ज्यादा रिच है, वो अपने डॉग ट्रिकी का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखती है। नंबर टू पे आता है हमारा डॉग जिसका नाम ट्रिकी है। ट्रिकी जो है हमारा बहुत ज्यादा पैम्पर्ड, ओवरफेड, लेजी और ग्रीडी है। पैम्पर्ड क्यों है? क्योंकि जो उसकी मालकिन है मिसेस पम्फ्री, उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखती है। ट्रिकी के पास रेनी सीजन से लेके विंटर सीजन तक हर टाइप के कोट हैं। उसकी ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर बाउल भी है। उसके लिए नाइट और डे के बेड भी हैं और उसका ख्याल रखने के लिए लोग भी रखे गए हैं। ट्रिकी बहुत ज्यादा ओवरफेड भी है, क्योंकि उसको जरूरत से ज्यादा खाना दिया जाता है, जिसके कारण उसका वजन बढ़ते ही जा रहा है। ट्रिकी लेजी भी है, मतलब वो बहुत ज्यादा आलसी हो गया है और वो बिल्कुल भी फन एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेता है। एंड लास्ट, ट्रिकी इज वेरी ग्रीडी। ग्रीडी क्यों बोला गया है? क्योंकि ट्रिकी को जब भी खाना ऑफर दिया जाता है, चाहे वो दिन में हो चाहे रात में, वो बिल्कुल भी उसको मना नहीं करता है। और चॉकलेट्स और केक्स तो उसके फेवरेट है। और लास्ट में है मिस्टर हैरियट। मिस्टर हैरियट एक एनिमल डॉक्टर है और वो ही ट्रिकी का इलाज करते हैं। तो आइए अब हम इस स्टोरी को और डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, कहानी कैसे शुरू हो रही है? कहानी ऐसे शुरू हो रही है कि जो हमारे मिसेस पम्फ्री है, वो हमारे डॉग ट्रिकी को स्ट्रीट पे घुमाती रहती है। तभी मिस्टर हैरियट की नजर पड़ती है ट्रिकी पे। जब वो ट्रिकी को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ट्रिकी काफी ज्यादा फैट यानी मोटा हो गया है और वो एक ब्लॉटेड सॉसेज की तरह दिख रहा है। ब्लॉटेड सॉसेज मतलब जो मीट का मोटा हिस्सा रहता है, वैसा ट्रिकी दिख रहा है। और उसकी आंख और नोज में यानी नाक में से वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है। तभी मिसेस पम्फ्री मिस्टर हैरियट को बताती है कि ट्रिकी इन दिनों काफी लिस्टलेस हो गया है। लिस्टलेस का मतलब होता है काफी लेजी हो गया है, उसमें कोई एनर्जी नहीं है। इसलिए मिसेस पम्फ्री उसको खाने के बीच में भी थोड़े से मील्स देती रहती हैं और रात में उसको हॉर्लिक्स भी देती हैं। तब मिस्टर हैरियट बताते हैं कि मिसेस पम्फ्री, क्या आपने उसको स्वीट थिंग्स यानी मीठा देना बंद करा है, जो मैंने आपको बोला था? मिसेस पम्फ्री बोलती है कि हाँ, मैंने थोड़े टाइम रेजिस्ट किया था उसको ये देना, लेकिन उसको चॉकलेट्स और केक्स बहुत ही ज्यादा पसंद है और वो बहुत ज्यादा वीक भी दिख रहा था, इसलिए फिर मैंने उसको ये देना स्टार्ट कर दिया। मिस्टर हैरियट ट्रिकी की तरफ देखते हैं और वो बोलते हैं कि ट्रिकीज ओनली फॉल्ट इज ग्रीड, यानी जब भी ट्रिकी को खाना दिया जाता था वो उसको मना नहीं करता था, जिसकी वजह से उसका वेट अब बढ़ते ही जा रहा है और अल्टीमेटली वो अब बहुत ज्यादा लेजी हो गया है। अब मिस्टर हैरियट बोलते हैं मिसेस पम्फ्री से कि क्या आप इसको इनफ एक्सरसाइज करवा रही हैं? जिस पे मिसेस पम्फ्री जवाब देती हैं कि हमारा जो गार्डनर है हॉजकिन, वो ट्रिकी को पहले थोड़े से गेम्स और एक्सरसाइज करवाता था, लेकिन अभी उसको लुम्बागो हो गया है, यानी कि उसकी बैक में बहुत दर्द है, पेन हो चुका है, जिसकी वजह से अभी ट्रिकी के सारे एक्सरसाइजेस बंद है। अब मिस्टर हैरियट बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। वो मिसेस पम्फ्री को बताते हैं कि मिसेस पम्फ्री, अगर अब आपने अपना दिल कठोर नहीं करा और ट्रिकी की डाइट को स्ट्रिक्टली मैनेज नहीं करा और उसको एक्सरसाइज नहीं करवाई, तो ट्रिकी बहुत ज्यादा इल हो सकता है। आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा। जिसमें मिसेस पम्फ्री बोलती है कि हाँ मिस्टर हैरियट, मुझे ऐसा करना ही होगा, लेकिन यह बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है और मैं इस नए रूटीन को ट्रिकी को फॉलो करवाने की पूरी कोशिश
करूंगी, और वो वहां से जाने लगती है। मिस्टर हैरियट, मिसेस पम्फरी और ट्रिकी को नोटिस करते रहते हैं। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग, टॉटरिंग का मतलब होता है नशे में झूम के जो चलते हैं ना, वैसे ही वो डॉगी जो ट्रिकी था वो स्ट्रीट पे ऐसे ही वॉक कर रहा था। और मिस्टर हैरियट को लगता है कि अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, जब मिसेस पम्फरी वापस आएंगी मिस्टर हैरियट के पास ट्रिकी के इलाज के लिए। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, यानी थोड़े दिनों के अंदर ही मिस्टर हैरियट को मिसेस पम्फरी का कॉल आ जाता है। मिसेस पम्फरी बहुत ही ज्यादा घबराई हुई रहती हैं। वो मिस्टर हैरियट को बताती हैं कि मेरा जो डॉग है ट्रिकी वो बहुत ही ज्यादा इल हो गया है, वो कुछ भी खा नहीं रहा है, उसको उसकी फेवरेट डिशेस दी जा रही है फिर भी वो कुछ खा नहीं रहा है, वो वॉक पे भी नहीं जा रहा है, वो अपने सराउंडिंग की तरफ कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा है, और उसको अभी ही वॉमिट भी हुआ है, मतलब उसने बहुत ज्यादा वॉमिटिंग भी करी है और वो बहुत जल्दी जल्दी सांसें ले रहा है। लेकिन मिस्टर हैरियट इन सब बातों से पहले ही वाकिफ थे, उन्होंने एडवांस में ही एक प्लान बना के रखा हुआ था। उन्होंने मिसेस पम्फरी को बोला कि ट्रिकी को तुरंत ही ओवरनाइट यानी एक रात के लिए हॉस्पिटलाइज करना जरूरी है ताकि उसकी जान को बचाया जा सके। अब ये सब सुन के मिसेस पम्फरी काफी ज्यादा घबरा गई एंड द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वूंड। स्वूंड का मतलब है काफी ज्यादा घबरा जाना, इमोशनली डिजी हो जाना, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं। लेकिन मिस्टर हैरियट ठान चुके थे कि अब वो ट्रिकी को ठीक करके ही रहेंगे। वो तुरंत निकल जाते हैं मिसेस पम्फरी के घर और ट्रिकी को एक ब्लैंकेट में रख के अपनी कार में ले आते हैं। अब जैसे ही मिस्टर हैरियट ट्रिकी को अपने साथ कार में ले जा रहे होते हैं, सारा जो स्टाफ है, जो मेड है, मिसेस पम्फरी है, वो सभी ट्रिकी की फेवरेट चीजें लेके आ जाते हैं, जैसे कि उसके फेवरेट कुशंस, टॉयज, रबर रिंग्स, उसकी सारी फेवरेट चीजें मिस्टर हैरियट के कार में रखने लगते हैं। लेकिन मिस्टर हैरियट रियलाइज कर लेते हैं कि उनकी कार में इतनी जगह नहीं है कि वो इतना सारा सामान रख सके, इसलिए मिस्टर हैरियट जल्दी से अपनी कार को थोड़ा सा आगे बढ़ाने लगते हैं। जब वो मिरर में से पीछे पलट के देखते हैं तो सारा ही स्टाफ और मिसेस पम्फरी की आंखों में आंसू होते हैं। अब मिस्टर हैरियट ट्रिकी की तरफ अपनी कार में देखते हैं तो ट्रिकी जो है धीरे से अपनी टेल को वैग करता है, यानी पूंछ को हिलाता है। तभी मिस्टर हैरियट बोलते हैं कि पुअर डॉग, तुम्हें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, लेकिन मेरे पास तुम्हारे इस प्रॉब्लम का इलाज है। अब मिस्टर हैरियट ट्रिकी को अपने साथ ले आते हैं। जैसे ही दूसरे डॉग ट्रिकी को देखते हैं वो उसे सूंघने के लिए, उसके साथ खेलने के लिए उसके पास आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही ट्रिकी को फ्लोर पर रखते हैं वो बहुत ही मोशनलेस हो जाता है, दूसरे डॉग्स की तरफ बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, और दूसरे डॉग्स भी ट्रिकी को अनइंटरेस्टिंग समझ के उससे दूर चले जाते हैं। दो दिन तक ट्रिकी को मिस्टर हैरियट बिल्कुल भी खाना नहीं देते हैं, लेकिन बहुत ही सारा पानी देते हैं। दूसरे दिन के अंत तक ट्रिकी थोड़ा सा ठीक होने लगता है, और तीसरे दिन तक ट्रिकी थोड़ा सा इंटरेस्ट अपने सराउंडिंग में दिखाने लगता है, और वो जब दूसरे डॉग्स की आवाज सुनता है विम्पर करना भी स्टार्ट कर देता है। अब थोड़े ही दिनों बाद जो हमारा ट्रिकी था वो बाकी कुत्तों से दोस्ती कर चुका था, उनके साथ घुल मिल चुका था और उनके साथ खेलने भी लगा था। लेकिन ट्रिकी अभी भी बहुत ज्यादा फैट था। अब सारे ही डॉग जो मिस्टर हैरियट के पास थे वो एक बॉक्स में सोते थे, तो मिस्टर हैरियट ने ट्रिकी के लिए भी वैसा ही एक बेड एक बॉक्स में बना दिया। अब सारे डॉग्स को जब खाना दिया जाता था तो सारे ही डॉग्स बड़े ही कॉम्पिटिटिव तरीके से खाने के बाउल की तरफ बढ़ते थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ नहीं दिखाई और खाने के लिए जल्दी नहीं दिखाई तो दूसरे डॉग उनके खाने को खा सकते हैं। अब ये सारे डॉग जब खाना खत्म कर लेते थे तब ट्रिकी धीरे धीरे चल के आता था और एक या दो बाउल में से थोड़ा सा खाना खा लेता था। अब धीरे धीरे ट्रिकी की हालत में अच्छा सुधार होने लगा, उसको किसी भी तरह का मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा था। ट्रिकी अब एक एक्सेप्टेड मेंबर हो गया था जो डॉग्स का ग्रुप था उसमें, वो उनके साथ बहुत ही ज्यादा मस्ती करता था, खेल कूद करता था, इधर से उधर भागता था, रात को चूहों का शिकार करता था, और जब भी इन डॉग्स को खाना दिया जाता था ट्रिकी भी बहुत हैप्पी तरीके से इस खाने की बाउल की तरफ जाता था, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने जल्दी नहीं दिखाई तो उसका खाना कोई और खा सकता है। अब
ट्रिकी के हालत में बहुत ज्यादा सुधार तो होने लगा था, लेकिन मिसेस पम्फरी ट्रिकी के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान थी और वो मिस्टर हैरियट को एक ही वीक में एक डजन से ज्यादा बार कॉल कर देती थी पूछने के लिए कि ट्रिकी को उसके फेवरेट कुशंस और टॉयज मिल गए हैं कि नहीं, वेदर के अकॉर्डिंग उसने अपना कोट चेंज करा है कि नहीं। और मिस्टर हैरियट इन सभी बातों को धीरे से टाल देते थे और वो मिसेस पम्फरी को ये बता देते थे कि ट्रिकी अब खतरे से बाहर है एंड ही इज कोवलेसिंग रैपिडली, यानी कि उसकी सेहत में बहुत जल्दी जल्दी सुधार आ रहा था। अब जैसे ही ट्रिकी की हालत में सुधार होने की खबर मिसेस पम्फरी को पड़ी, वो ट्रिकी के लिए बहुत सारे एग्स और वाइन भेजने लगी ताकि ट्रिकी की मसल्स और ब्लड अच्छी तरीके से बढ़ सके। लेकिन ना ही मिस्टर हैरियट ने कभी ट्रिकी को एग दिए ना ही वाइन, और ये एग और वाइन मिस्टर हैरियट और उनके पार्टनर्स ही इंजॉय करते थे। अब मिस्टर हैरियट के दिन बहुत ही अच्छी तरीके से गुजरने लगे थे। ट्रिकी के लिए जो भी सामान आता था जैसे अंडे, वाइन या ब्रांडी, वो खुद ही अपने पार्टनर्स के साथ उसको इंजॉय करते थे। उनका दिन एग्स के साथ शुरू होता था, नून में वो थोड़ी सी वाइन लेते थे और रात में ब्रांडी को इंजॉय करते थे। अब ये सारी चीजों से मिस्टर हैरियट के मन में एक टेम्पटेशन जाग गई थी कि वो ट्रिकी को हमेशा के लिए अपना गेस्ट बनाए रखें ताकि अंडे, वाइन, ब्रांडी आती रहे। लेकिन मिस्टर हैरियट को पता था कि मिसेस पम्फरी ट्रिकी के लिए बहुत ज्यादा वरीड है, इसलिए एक दिन उन्होंने कॉल किया मिसेस पम्फरी को और बता दिया कि ट्रिकी अब खतरे से बाहर है और आप उसको अब ले जा सकते हैं। अब जैसे ही मिसेस पम्फरी को ट्रिकी के ठीक होने की खबर मिली, वो तुरंत ही ट्रिकी को लेने के लिए, उसको देखने के लिए आ गई और उन्होंने आते ही मिस्टर हैरियट से पूछा कि मिस्टर हैरियट सच बताइए, क्या ट्रिकी सच में ठीक हो चुका है? ट्रिकी अब सच में बहुत ही हेल्दी हो चुका था, ठीक हो चुका था, उसके मसल्स बिल्ड हो गए थे, वो काफी ज्यादा एनर्जेटिक लग रहा था। ट्रिकी अब अपने बाकी डॉग्स के साथ काफी ज्यादा घुल मिल गया था, उनके साथ घूमता था, मस्ती करता था, स्ट्रेचिंग करता था और काफी ज्यादा प्लेफुल हो गया था। जैसे ही मिसेस पम्फरी आई, मिस्टर हैरियट ट्रिकी को लेने के लिए अंदर चले गए। वो ट्रिकी को अपनी गोद में लेकर आए, लेकिन ट्रिकी ने जैसे ही मिसेस पम्फरी को देखा, वो तुरंत ही मिस्टर हैरियट की गोद से कूद के मिसेस पम्फरी के लैप पे चला गया। ट्रिकी मिसेस पम्फरी को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो गया, उसने मिसेस पम्फरी का पूरा फेस लिक कर दिया, उनको देख के बाक करने लगा और मिसेस पम्फरी भी ट्रिकी को देख के बहुत ही खुश हो गई। उनकी आंखों से एक आंसू झलक गया और उन्होंने मिस्टर हैरियट को बोला, ओ मिस्टर हैरियट, इट इज अ ट्रायंफ ऑफ सर्जरी, यानी कि ये सर्जरी हमारी सक्सेसफुल हो गई। तो दोस्तों, समरी क्या होगी इस चैप्टर की? ये चैप्टर किस बारे में है? एक डॉग के बारे में है जिसका नाम है ट्रिकी, जो बहुत ही ज्यादा पैम्पर्ड, ओवरफेड, लेजी और ग्रीडी डॉग है और उसके मालकिन है मिसेस पम्फरी, जो ट्रिकी का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखती हैं। लेकिन एक दिन ड्यू टू ओवरफीडिंग क्या होता है, हमारा जो ट्रिकी है वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाता है, वॉमिट करने लग जाता है, सीरियसली इल हो जाता है। तब मिसेस पम्फरी उसको मिस्टर हैरियट को दिखाती है। मिस्टर हैरियट कौन होते हैं? एक एनिमल डॉक्टर होते हैं, वही उसका इलाज करते हैं। में वो ट्रिकी की सर्जरी बिल्कुल भी नहीं करते हैं, सिर्फ उसको राइट अमाउंट ऑफ फूड और एक्सरसाइज करवाते हैं, यानी कि वो उसकी सर्जरी नहीं करके उसको एक हेल्दी एनवायरनमेंट में रखते हैं और बहुत ही ज्यादा एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटीज करवाते हैं। चूंकि मिसेस पम्फरी बहुत ही ज्यादा केयरिंग होती हैं, वो ट्रिकी के लिए बहुत सारे अंडे, वाइन और ब्रांडी भी भेजती हैं, लेकिन मिस्टर हैरियट ये सारी चीजें कभी भी ट्रिकी को नहीं देते हैं और वो खुद ही कंज्यूम करते हैं। आखिरी में ट्रिकी मिस्टर हैरियट की वजह से बहुत ही ज्यादा हेल्दी हो जाता है और इसलिए मिसेस पम्फरी को ये लगता है कि इट इज अ ट्रायंफ ऑफ सर्जरी, यानी जो सर्जरी थी वो काफी सक्सेसफुल हुई। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी तरफ से इस चैप्टर का समराइजेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड विश यू गुड लक फॉर द एग्जाम्स।